हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं, आप बताइए। सब ठीक है? हाँ, काफी ठीक है। दवाई चल रही है? दवाई चल रही है अभी। और अभी ना मैं इनको एक कहानी सुनाने वाली थी। आजकल मैं क्या हुआ? मैं सबको सुना लूंगी, आप मत। नहीं सुनाओ ना, मैं सुनता रहूँ यार। हाँ, तो पीछे से क्यों बोलते हो? मैं कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, तुम पता नहीं बेकार हो ना। मैंने कुछ बोला भाई? मैंने ये बोला बहुत बढ़िया कहानी सुनाई, सुनाओ ना। ऐसे टूटे फूटे पड़े हो, ये नीचे बैठे हैं अभी। और कहानी ना आजकल मैं सुनती रहती हूँ कहानियाँ, तो मैं इनको, तो हम दोनों लड़ने चले गए थे पहले, और तुम्हें बता रही थी मैं कहानियाँ सुन रही हूँ आजकल ना, और कहानी मैं इनको सुनाने वाली थी। मैंने कहा आप लोगों को भी सुना, पहले ये सुनाने वाले थे, ये कल सुनाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी और आपने कमेंट किया कि हाँ सुनाओ, तो ये सुनाएंगे। भाई मेरे चैनल पे आ जाना, मैं अपने चैनल पे सुनाऊंगा, इसके चैनल पे नहीं सुनाऊंगा, सीधी सी बात। और मेरे चैनल का नाम भी क्या है सुन लो, कोमल अग्रवाल इंडियन। ठीक है भाई, मेरे चैनल पे। हाँ बोलो, सुनाओ। मैंने सुनी थी लव स्टोरी, किसी की लव स्टोरी। ठीक है, कहानी है ये। ठीक है। एक सेठ जी थे। ठीक है, बनिया। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने लव मैरिज करी थी। तो एक छोटा सा गांव था, उस गांव में ना वो दोनों बहुत फेमस थे अपनी लव मैरिज की वजह से ही, क्योंकि वो दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था और हमेशा एक बन के रहते थे। और उसी गांव में ना एक राजा रहते थे। उसी राजा उसी शहर में, गाँव में, उसी में राजा रहते थे। अच्छा, उस गाँव का जो राजा था। आगे बोलो। नहीं, सेठ अलग था। अच्छा, सेठ अलग था, राजा अलग था। राजा अलग था। अच्छा, तो एक दिन ना राजा रानी अपनी छत पे घूम रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो दोनों रात को टहल रहे थे, वो दूर देखते हैं कि कहीं दूर पे एक मिसाल जल रही थी। मिसाल होती है, मसाल होती मशाल, है। मशाल, मशाल, मशाल जल रही थी। हाँ। तो वो एक चार कस्टमर थे। मैं कहाँ थी? एक मशाल जल, मिसाल जल रही थी। मिसाल, मिसाल नहीं, मशाल जल, नहीं, मिसाल जल रही थी। मिसाल बोला था ना उन्होंने पहले। अरे यार, मतलब उस बोल दो ना, तुमने बिठाया किस लिए बराबर में? इसीलिए तो बिठाया, इसलिए तो बिठाया है। वैसे हाँ। भी बोलने वाली थी कि जो राजा रानी होते हैं ना, वो घूम रहे होते हैं, वो देखते हैं कि दूर कहीं एक घर पे हाँ। मशाल जल रही होती है। तो आ गए भैया, यार हम दुकान पे हैं, इस वजह से कोई ना कोई आ जाता है, इसलिए बार बार पॉज करनी पड़ रही है। तो वो राजा रानी घूम रहे होते हैं, तो रानी देखती है कि वहाँ पे भाई मशाल जली हुई है। तो राजा रानी पूछती है कि ये किसका घर है? तो राजा बोलते हैं कि ये उन्हीं का घर है, सेठ सेठानी का, जिसकी मिसाल दी जाती है कि इन दोनों ने लव मैरिज की थी और बहुत अच्छे से ये दोनों रहते हैं। तो रानी कहती है अच्छा, इन दोनों में इतना प्यार है। तो राजा को, रानी का दिमाग चलता है, राजा से बोलती है कि ना चलो इन दोनों को ना परखते हैं, जब लोग पूरे गांव वाले इनकी तारीफ करते हैं, हमारी सारी प्रजा इनकी तारीफ करती है, तो क्यों ना इन दोनों के प्यार को परखा जाए। तो राजा बोलता है कि चलो कर लेते हैं, अब रानी का हुक्म है तो करना पड़ेगा। तो ऊपर देखो ना, वहां देखो। तो ठीक है, राजा बोलता है कि जब आपने ये बात बोली है तो आप ही बताओ किस तरीके से परखा जाए। ओके। तो रानी बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी दासी को सेठ जी के पास में भेजूंगी और मेरी दासी उनसे जाके जो बोलेगी वो आगे जो बताएंगे। इसी तरीके से राजा अपने जो उनके सैनिक होते हैं उसको भेजेंगे। तो अगले दिन का ये प्रोग्राम बनाया जाता है। अगले दिन ना रानी अपनी दासी को भेजती है सेठ जी के पास में। सेठ से बोलती है कि ना हमारी रानी को ना आपसे प्रेम हो गया है और हमारी रानी ने बोला है कि अगर आप उनसे विवाह करेंगे तो वो अपने राजा को छोड़ देंगी और उनके पास इतनी धन दौलत है कि वो आपको हमेशा खुश रखेंगी। तो सेठ ने बोला कि ऐसी रानियों के लिए ना, मतलब अपनी बीवी के लिए मैं ऐसी 10 रानियों को कुर्बान कर दूंगा, मेरे को अपनी बीवी से बहुत प्यार है, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ। पहली वाले मतलब सेठ जी तो अपनी परीक्षा में पास हो गए। उसके बाद में राजा अपने सैनिक को भेजते हैं उसी तरीके से सेठ की बीवी के पास में। तो जो सैनिक होता है वो बोलता है कि भाई हमारे राजा जी को आपसे प्रेम हो गया है, वो अपनी रानी को छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी रानी को छोड़ देंगे तो आपको अपने महल में रखेंगे और उनके पास बहुत धन दौलत है, आपको हमेशा खुश रखेंगे, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तो वो बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप बताओ क्या करना होगा।
तो वो सैनिक बोलता है कि आपको ये करना होगा कि आज रात को आपको अपने पति को मारना होगा, और मारने के बाद में ना आपको हमें मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको, शरीर का अंग नहीं, मारने के बाद में हमें पता चल जाए कि आपने अच्छा। ये काम कर दिया है, तो उसके लिए आपको आपकी छत पे जो हमेशा एक मशाल जलती है उसको आप बुझा देना रात के 3 बजे। ओके ठीक है। तो अब राजा और रानी में हलचल मच जाती है कि भाई ये काम करने के लिए उसने बोल दिया है, तो राजा रानी में हलचल मच जाती है। अब राजा जो है 3 बजे का वेट करता है छत पे चढ़ करके, उसी तरीके से रानी भी चढ़ जाती है, और 3 बजे उससे पहले क्या करती है सेठानी, उसके अपने पति के खाने में जहर मिला देती है, उसको मार देती है और फंदे से लटका देती है और जाके मशाल बुझा देती है। और उस तभी के तभी उससे पहले ही ना राजा अपने सैनिकों को तैयार कर लेते हैं कि जैसे ही मशाल बुझाने के लिए वो ऊपर आएगी तो आप जाकर के सेठ को बचा लेना। लेकिन जब वो पहुंचते हैं वो सेठ जो है मर चुका होता है। राजा जो है उस सेठानी को बंदी बना लेता है, अपने जेल गृह में डाल देता है, कारागृह में डाल देता है। और उसके बाद में राजा को ना जितनी भी उस गांव की औरतें होती हैं सबसे नफरत हो जाती है, वो अपनी रानी से भी दूर हो जाता है, वो अपने सेनापति को ना गुस्से में यह आदेश देता है कि जितनी भी गांव में औरतें हैं ना सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब सेनापति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, भाई मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, एक औरत ने गलती करी है तो उसके लिए सभी औरतें गलत नहीं है। हाँ। वो जाकर के अपने गांव में छुप जाता है और गांव में उसके पापा पिताजी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, वो सेनापति सारी बात बताता है। तो वो बोलता है कि देख अभी राजा गुस्से में है, तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएगा जरूर, तुम सबसे पहले छुप जाओ, मैं उनको मना लूंगा, मैं उनको समझा लूंगा जैसे भी होगा। और जो सेनापति के पिता जो होते हैं वो ऑलरेडी उस मतलब राजमहल में काम कर चुके होते हैं, राजा के पिता के सेनापति वो रह अच्छा, चुके अच्छा, अच्छा, होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। वो बोलते ठीक है। तो राजा ढूंढते ढूंढते आते हैं गुस्से में कि वो सेनापति कहाँ है, मैंने उनको आदेश दिया हुआ है कि सारी रानियों सारी औरतों को जो है फांसी पे चढ़ाना है। तो वो बोलते हैं कि आप शांत हो जाओ। वो कहते हैं नहीं, ऐसे प्यार नहीं होता है और आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है। तो सेनापति के जो पिताजी होते हैं वो बताते हैं कि मुझे उन्होंने सारी कथा आपकी कहानी बता दी है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बोले मैं गलत नहीं कर रहा हूं, उनकी प्रेम की मिसाल दी जाती थी और इस तरीके से उस औरत ने किया तो सारी औरतें ऐसी होती हैं। वो बोलता है कि नहीं चलो मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अगर आपको उससे प्रेम पे थोड़ा विश्वास हो जाए तो आप मुझे वादा कीजिए कि आप सारी औरतों को छोड़ देंगे। वो कहते हैं कि ठीक है। तो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने बड़े राजा के साथ में मतलब आपके पिताजी के साथ में घुड़सवारी पे निकला था। तो घुड़सवारी पे निकलते निकलते कुछ आदमियों ने हमें वहां पे घेर लिया, कुछ क्या एक ही आदमी ने हमें वहां पे घेर लिया, पीछे से मुझे घेर लिया था क्योंकि राजा आगे थे और मैं और राजा अकेले थे। तो उस आदमी ने मुझे घेरने के बाद में घोड़े से खींच लिया और मुझे खींचता खींचता एक शमशान घाट पे ले गया। शमशान घाट पे ले जाने के बाद में उसने वहां पे शमशान घाट में एक जगह खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद में थोड़ा सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, सुन रहा हूँ। खुदाई करने के बाद में मैं डर के मारे कांपने लगा कि ये तो भाई मेरी कब्र खोदी जा रही है। उसने 2 कब्रें खोदनी शुरू कर दी। अब वो ये मन ही मन में मैं ये सोच रहा था कि एक कब्र तो मेरी खोद रही है, दूसरी कब्र किसकी खोद रहा है और क्यों खोद रहा है, मेरी तो जान पहचान भी नहीं है इससे, क्यों मुझे मारा जा रहा है। तो कब्र खोदने के बाद वो कब्र खोदता है, दूसरी कब्र खोदने लगता है तो मुझसे बोलता है कि तुम खोदो इसको, इसमें मेरी मदद करो, कब्र खोदो। वो कहता है कि यार मेरी कब्र खुद रही है, मैं कैसे खोद सकता हूँ। कब्र खुद जाती हैं, दोनों जगह 2 गड्ढे खुद जाते हैं। तभी वो आदमी जो इनको लाया था वहां से जाता है, ऊपर एक घर बना हुआ होता है शमशान घाट के ऊपर, एक कमरा सा बना होता है, उस छत से एक गर्दन कटी हुई लाश को नीचे फेंकता है। तो वो डर जाता है सेनापति जो होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो ऊपर से आवाज लगाता है कि इसको तुम्हें दफनाना है, इसको दफनाने में मुझे मदद करो। अच्छा, काम करते करते उसकी पगड़ी उतर जाती है तो उसमें से एक लड़की निकलती है। किसमें से? जो कब्र खुदवारी अच्छा, होती है अच्छा, जो उसको उठा करके अच्छा, लेके आती है। तो वो देख करके भाई ऐसे रह जाते हैं कि ये तो लड़की है, ये औरत है और ये ऐसे सर कटी हुई लाश को क्यों कर रही है। वो उससे पूछता है कि भाई आप जो भी हैं आप मुझे बताएं कि ये क्यों कर रहे हैं, आपने 2 कब्र खोदी हैं, एक मेरे लिए और ये कौन है, मैं इसे जानता नहीं हूँ, इसका गर्दन भी नहीं है और ना ही मैं आपको जानता हूँ। वो बोलती है कि आप
डरो मत, मैं आपको छोड़ दूंगी, बस मैं, मेरे को इसे दफनाना है और जो दूसरी कब्र है वो मेरी है। अच्छा। वो बोलता है आप ऐसे क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि बहुत टाइम पुरानी बात है, मैं और मेरे पति हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तभी एक राजकुमार हमारे बीच में आ गया, उसका दिल मुझ पे आ गया और उसने मेरे पति को मरवा दिया मुझे हासिल करने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। अच्छा। और मैं, मेरे मन में बदले की भावना आ गई कि ये आदमी मेरे प्यार को कैसे छीन सकता है, ये आदमी मतलब जिसकी गर्दन उसने काटी थी। तो बस बदला लेना था और मैं अपने पति से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए मैं भाग गई थी मेरे पति के मरने के बाद में, ताकि मैं इस राजकुमार के हाथों में ना हूं। लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इस राजकुमार को मुझे मार करके दफनाना है। और जो उसने अपनी कब्र खोदी थी वो अपने पति के बिल्कुल बराबर में खोदी थी, कि इसको मारने के बाद में मैं अपने पति के साथ में आराम से वहीं पे रह जाऊंगी। तो इससे क्या साबित होता है कि हमेशा औरतें ही गलत नहीं होती। हाँ, सभी औरतें गलत, आदमी भी गलत हो जाते हैं। सकते हैं। हाँ। तो वो उसका काम करता है और उस औरत को समझाता है, उसको वहां से मरने से बचाता है, उस वाली को दफनाता है और उसको मतलब कहीं अच्छे एरिया में छोड़ के आता है। तो वो राजा को सिर्फ एक स्टोरी इसलिए बताता है कि आपको औरतों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तब राजा को समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। हर जगह औरतें गलत नहीं होती हैं, हर जगह आदमी गलत नहीं होते हैं, ये हमारी सोच होती है और कोई भी कभी भी किसी को धोखा दे सकता है और प्यार भी होता है। क्योंकि देखो वहां पे उस सेठ ने प्यार किया था, बहुत अच्छे से प्यार किया था, उसने मना कर दिया था, और यहाँ पे इस औरत ने अपने पति को इतना प्यार किया कि बदला लेने के लिए उसने अपने किसी को छूने नहीं दिया अपने को, और वो यहाँ से चली गई थी। तो इस कहानी का सार ये है कि दुनिया में कोई भी गलत हो सकता है और कोई भी सही हो सकता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। तो कैसी थी कहानी? अच्छी थी। 100/100 100/100 100/100। ये थोड़ी बड़ी कहानी थी, मैं छोटी छोटी भी सुनती हूँ, और मैं वो कार्तिक की कहानी सुनती हूँ, बहुत सारी कहानी सुनती हूँ मैं। अभी से नहीं, मैं पहले ब्रह्म कुमारी की तो मैं बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ, लेकिन उनकी कहानियां नहीं होती है, वो सिर्फ बताती है, और ये कहानियां मैंने काफी टाइम से अब सुननी शुरू करी है। तो जिसको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, जिसको भी समझ में आया ये लास्ट में क्या था क्या नहीं था वो भी बताइएगा, और दोबारा कहानी सुननी हो तो बताना, फिर से मैं सुनाऊंगी। ठीक है, मुझे मत बिठाना साथ में बिल्कुल। क्यों भाई? मजाक कर रहा हूँ यार, तेरे से मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? अब मैं बिठाऊ या ना बिठाऊ, देखो कैमरे के सामने नहीं, घर पे भी तुम्हें सुननी पड़ेगी, वो भी मैं सुनाती रहती हूँ, तुम्हें सुनो ना। तो चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मेरा आधा सर दर्द। क्या हुआ? अगर मैं चली गई ना किसी दिन तो आपको पूरा सर दर्द बन जाएगा। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, बाय।